और इस वक्त बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। कमला मिल अग्निकांड मामले में जिस विशाल करिया पर आरोपियों को छिपाने का केस दर्ज हुआ था, उसी विशाल करिया से मिलने पहुंचे क्रिकेटर हरभजन सिंह। बीती रात हरभजन करिया के जुहू के रिवेरिया अपार्टमेंट में पहुंचे। हरभजन ने जब मीडिया को देखा तब अपने आप को छिपाने की कोशिश की, लेकिन कैमरे से हरभजन सिंह बच नहीं सके। विशाल करिया एक बुकी के तौर पर काम करते हैं और उनके कई सारे क्रिकेटर्स के साथ संबंध भी हैं। तो ये बड़ी जानकारी है। और हरभजन सिंह जब वहां पहुंचे तो बिना मिले ही हरभजन सिंह चले गए। एक बुकी के तौर पर विशाल करिया काम करते हैं, उससे मिलने हरभजन सिंह क्यों पहुंचे, क्या संबंध है, किस तरह की बातचीत होती है, और भी कई सारे क्रिकेटर्स के साथ आपको बता दें कि विशाल करिया के संबंध है। जो जानकारी मिल रही है आपको बता दें कि ये विशाल करिया वही विशाल करिया है जो कमला मिल अग्निकांड मामले में जिस विशाल करिया पर आरोपियों को छिपाने का केस दर्ज हुआ था, उसी विशाल करिया से मिलने के लिए क्रिकेटर हरभजन सिंह पहुंचे। और उससे भी बड़ी जानकारी ये कि ये वही विशाल करिया है जो बुकी के तौर पर भी काम करता है और उसी से मिलने के लिए क्रिकेटर हरभजन सिंह पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। अब कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर हरभजन सिंह विशाल करिया से मिलने के लिए क्यों पहुंचे, ये एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होगा। और भी कई सारे क्रिकेटर्स के साथ विशाल करिया का संबंध है, उनसे उनकी बात होती है, लेकिन बड़ी जानकारी ये बुकी से मिलने पहुंचे हैं क्रिकेटर हरभजन सिंह। कई सारे सवाल इस से खड़े हो गए हैं, लेकिन जानकारी यह है जब हरभजन सिंह वहां पहुंचे थे, मीडिया का जमावड़ा वहां पर था, तो बिना मिले ही हरभजन सिंह वापस चले गए। अब कई सारे सवाल कि हरभजन सिंह आखिर वहां क्यों पहुंचे थे और विशाल करिया से उनकी क्या बातचीत होने वाली थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।